Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स 12 दिसंबर के. ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं इन सब आप सबों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकती है. आप इसे आराम से रेफर कर सकते हो. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे अभिनव युवा जैव प्रौद्योगिकी विद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अभिनव युवा जैव प्रौद्योगिकी सम्मान दिया गया है, ये दिया गया है आईआईटी मंडी के ये प्रोफेसर हैं और इन्हें ही जैव प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान की गई है. ये जो जैव प्रौद्योगिकी पुरस्कार है ना, ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 2005 में स्थापित की गई थी और उन्होंने जीका वायरस की जो कैप्सिड फोल्डिंग इनहिबिटर खोज पर उन्होंने अपने कुछ प्रस्तावित अनुभव अपने विचार दिए थे, तो उन विचार के लिए उन्हें चुना गया है. और ये ध्यान रखिए इनका नाम है रजनीश गिरी. ऑप्शन हो जाते हैं बी, रजनीश गिरी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. एशियन टूर और ऑर्डर ऑफ मेरिट जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? वो कौन से भारतीय हैं? पहली बात तो ये सबसे कम उम्र के भारतीय हैं और इनका क्या नाम है जिन्होंने एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट को जीता है? तो इनका नाम है शुभंकर शर्मा. ऑप्शन हो जाते हैं ए. देखिए ये पांचवे भारतीय हैं. इनके पहले चार अन्य लोग थे जिन्होंने ऑलरेडी एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट जीता हुआ है. शुभंकर शर्मा जो है ये सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं और ये पाँचवें नंबर पर हैं. इनके अलावा जो लोग थे, पहली है ज्योति रंगाना, वो 2002 में इस मेरिट लिस्ट में आई थी. फिर है अर्जुन अतवाल, इन्होंने 2003 में इस मेरिट को जीता था. फिर है जीव मिल्खा सिंह, इन्होंने 2006 और 2008 इन दोनों सालों में इस मेरिट को जीता है. ये एकमात्र ऐसे गोल्फ खिलाड़ी है जिन्होंने दो बार इस मेरिट को जीता है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो. इसके अलावा अनिरुद्ध लाहिरी, इन्होंने 2015 में इस मेरिट को जीता था. और जैसा कि इस क्वेश्चन में भी हम बात कर रहे हैं, तो ये शुभंकर शर्मा जो कि पांचवे भारतीय हैं इस मेरिट को जीतने वाले. ऑप्शन हो जाते हैं ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2019 से 35 की अवधि में दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर होगा? तो देखिए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक की अपनी एक रिपोर्ट आई है जिनके तहत उन्होंने इन सारी दुनिया के जितने भी शहर हैं ना उनका उन्होंने सब पे एक खोज की, सबका पता लगाया. तो इस अनुसार उन्होंने कहा है कि वो कौन सा शहर है जो 2019 से 35 के बीच में दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर इन्होंने सूरत को कहा है. ऑप्शन हो जाते हैं ए. और इसमें एक चीज़ और है, मान ली इन्होंने ये भी कहा है ना कि जो सिर्फ 10 जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले शहर होंगे ना, वो जो मोस्ट टॉप 10 जो होंगे वो भारत से होंगे. तो ये हमारे भारत के लिए अच्छी बात है, जिसमें कहा गया कि आगरा, बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, तिरुपुर, राजकोट, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई एंड विजयवाड़ा, इन सबको उन्होंने कहा, उनके बारे में बताया, इन्हें लिस्ट में रखा. पर हाँ, ऐसे सबसे नंबर वन पे है सूरत. तो ऑप्शन हो जाते हैं ये सूरत, जो कि 2019 से 35 की अवधि में दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर होगा. तो ऑप्शन हो गए ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं. ग्लिंका वर्ल्ड साइल प्राइज़ 2018 किसने जीता है? ग्लिंका वर्ल्ड साइल प्राइज़ देखिए ये तब दिया जाता है, ये मृदा विज्ञान जो होती है ना उनके द्वारा पेश किया गया सर्वोच्च सम्मान माना जाता है मृदा विज्ञान के द्वारा. और ये मिला है रतन लाल जी को. ऑप्शन हो जाते हैं ए. इन्होंने देखिए रोम में संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, उनके जो खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में रतन लाल जी ने इस ग्लिंका वर्ल्ड साइल पुरस्कार को जीता है 2018 की. और उनकी जो उन्हें ये क्यों मिला है, तो देखिए जो स्थाई मिट्टी है उसका प्रबंधन कैसे हो और मिट्टी संसाधनों की सुरक्षा में उन्होंने अपने जो विचार दिए थे, तो उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल पुरस्कार से नवाजा गया है. इनका नाम है रतन लाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार ने दीर्घकालिक श्रमिकों की कमी को संबोधित करने के लिए देश में अधिक श्रमिकों को लाने के लिए एक नया कानून बनाया है? तो देखिए ये जो देश है ना ये है जापान. जापान ने
दीर्घकालिक श्रमिकों की कमी को संबोधित करने के लिए देश में अधिक श्रमिकों की लाने के लिए एक कानून बनाया है। इस कानून के तहत क्या होगा कि निर्माण, खाद्य सेवाओं, नर्सिंग और जितने भी अन्य क्षेत्र हैं उसमें 3.45 लाख के विदेशी श्रमिकों को लाया जाएगा, ऐसी इनकी योजना है। और ये कानून जो है ना, ये श्रमिकों की जो गंभीर कमी, जितने भी श्रमिक हैं वो अपने निजी जीवन में जिस कमी का सामना करते हैं उन क्षेत्रों में ये कुशल विदेशी नागरिकों को 5 साल का वीज़ा भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो ये जो विदेशी श्रमिक लाने की बात कही है ये जापान के द्वारा की जा रही है। ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो देखिए, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के क्षेत्र में भारत ने जापान के साथ समझौता ज्ञापन किया है। और इनका ये भी कहना है कि ये प्रशिक्षित देखभाल करेंगे जितने भी कर्मचारी उम्मीदवार हैं इनके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के लिए ये ध्यान रखिएगा कि ये जापान के साथ हुआ है। ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन किया है ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर? ग्रीन क्लाइमेट फंड आपके UNFCCC के ढांचे के अंतर्गत आती है। ये एक तरह का ये फंड है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये एक स्थापित फंड है UNFCCC के अंदर। और इन्होंने जो ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर समझौता किया है वो किया है नाबार्ड से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ। तो ऑप्शन हो जाते हैं ए, नाबार्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 3 दिवसीय सैन्य साहित्य समारोह 2018 किस शहर में शुरू हुआ है? ये 3 दिनों का जो सैन्य साहित्य समारोह जो है ना, ये चंडीगढ़ में शुरू हुई है। ऑप्शन है सी, चंडीगढ़। और इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अरविंदर सिंह, पंजाब के गवर्नर VP सिंह बदनौर और जितने भी सैन्य इतिहासकार हैं इनके द्वारा संयुक्त रूप से ये पहल थी। और ये 3 दिवसीय थी जैसा कि, तो ये 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और 9 दिसंबर तक चला। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये चंडीगढ़ में हुई है। ऑप्शन हो जाते हैं सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं इनका नाम है अतुल सहाय। ऑप्शन हो जाती है ए, अतुल सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी दिवस कब मनाया? तो देखिए, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी दिवस 8 दिसंबर को सेलिब्रेट किया। ऑप्शन है बी, 8 दिसंबर। और ये दिन ना क्या हुआ था कि पहली पनडुब्बी जो थी INS कलवरी, ये 1967 में जब नौसेना में शामिल हुई थी तो उस दिन को जश्न के रूप में पनडुब्बी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हम हर वर्ष 8 दिसंबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन हमारे हो गए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हमने अभी सेलिब्रेट किया है 9 दिसंबर को। और इसमें सीधी सी बात है, इनका उद्देश्य यही है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता फैलाना है और भ्रष्टाचार को कम करना है। ऑप्शन हो जाती है आपकी ए, 9 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडिनेस एक्सरसाइज दैट इज ट्रॉप्स 2019 में कब आयोजित करेगी? भारतीय नौसेना जो हमारी इंडियन नेवी है उनके द्वारा एक ट्रॉपेक्स नामक एक एक्सरसाइज आयोजित होगी 2019 में। तो ये बहुत चर्चा में थी न्यूज़ में, इसलिए आप इसे ध्यान रखिए। जो ट्रॉपेक्स है ये आपकी जनवरी में, 2019 के जनवरी में ये स्टार्ट की जाएगी हमारी नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने व्यवसाय स्मार्ट नामक एक पहल की शुरुआत की है? ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि स्मार्ट नामक एक पहल है वो किस सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। तो देखिए, ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है और इनका उद्देश्य है जो कृषि व्यवसाय की स्थिति को जानना, ग्रामीण लोगों को सुविधा पहुंचाना इसके अंतर्गत। तो ये स्मार्ट पहल आप ध्यान रखिएगा कि ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन हो जाती है बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं,
कौन जिला और सत्र अदालत भारत में ई भुगतान प्रणाली शुरू करने वाली पहली अदालत बन गई है। मतलब ये हमारी भारत की पहली अदालत है जहां ई भुगतान प्रणाली को शुरू किया गया है, तो ये है पुणे। पुणे की जो जिला और सत्र अदालत है वहां ई भुगतान प्रणाली शुरू कर दी गई है। तो ऑप्शन हमारे हो गए ए पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में वार्षिक स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल समिट कब आयोजित की गई थी? तो गोवा में ये जो अभी वेंचर कैपिटल समिट आयोजित हुई थी ये 7 दिसंबर को हुई थी। ऑप्शन है डी 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 12 दिसंबर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।